नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। पीएम नरेंद्र मोदी 21 से लेकर 24 जून तक अमेरिका के राजकीय दौरे पर रहने वाले हैं। उनके इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है, इसलिए भारत से लेकर चारों तरफ इस दौरे को लेकर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही अमेरिका में लोगों में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर व्हाइट हाउस के सांसदों का भी जोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने पीएम के दौरे की खुशी को भी जाहिर करते हुए शुक्रवार को व्हाइट हाउस के बाहर भारत का तिरंगा और अमेरिका का झंडा एक साथ लहराया। वैसे तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर अमेरिका में काफी पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी थी। इसे देखकर लोगों ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। वहीं पीएम के दौरे को लेकर व्हाइट हाउस के पूर्व कोविड-19 कोऑर्डिनेटर आशीष झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाशिंगटन DC में बहुत स्वागत है। हम सभी बहुत उत्साहित हैं कि वो यहाँ आ रहे हैं, इससे भारत और अमेरिका के बीच का संबंध और बढ़ेगा। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक रोमांचक समय है। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जैसा कि हम महामारी से उभर रहे हैं और हमने दोनों देशों से अविश्वसनीय मात्रा में नवाचार देखा है, साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। वहीं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा, मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर आ रहे हैं। हम वॉशिंगटन में उनकी मेजबानी और US कांग्रेस के संबोधन के लिए उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें, पीएम मोदी पहले न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। यहाँ उनके नेतृत्व में योग सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके साथ पीएम वॉशिंगटन DC जाएंगे और जो बाइडेन के साथ डिनर में शामिल होंगे। इसके बाद अगले दिन उनका व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में स्वागत किया जाएगा। इसके बाद द्विपक्षीय बैठकें, प्रतिमंडल स्तर की वार्ता होंगी। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश विभाग के साथ एक लंच मीटिंग भी होगी। इसके अलावा एक डायस्पोरा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। खबर यहीं तक थी, इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी।